हम जा रहे हैं हमारे कॉलेज की तरफ, मतलब हमारे हॉस्टल की तरफ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा प्लेन का, और काफ़ी डर भी लगा स्टार्टिंग में, बट बाद में जो हमें जो भी नज़ारे देखे हमने, सच में हम बहुत बहुत ज़्यादा औसम थे। मैं आपको बता नहीं सकता, वीडियो में एक दो क्लिप डाल दूंगा मैं, कि जैसे मतलब हम लोग सच में जन्नत में आ गए ऐसे लग रहा था हमें। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रैवल करके। और तो गाइस हम हमारे हॉस्टल पे आ गए, और काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा मेरी रूम में कहाँ पे रहता हूँ। और हमें लगभग 4 घंटे लगे हैं किर्गिस्तान आने के लिए, और 4 घंटे के बाद वहाँ पे एयरपोर्ट पे हमें 1 या 2 घंटे रुकना पड़ा, क्योंकि हमारी बस आने वाली थी। और सब देख रहे थे कि सब स्टूडेंट आ गए हैं, और थोड़ी इंक्वायरी की। फिर बस अभी हम हमारे रूम में, हमारा हीटर चालू है इसलिए हमें अब ठंड नहीं लग रही, इसलिए मैं ऐसा बैठा हूँ। तो बाहर गया तो ऑफ कोर्स मुझे स्वेटर कंपलसरी पहनना पड़ेगा, और उसके साथ शूज़ भी। और तो मैं आपको आगे मेरी रूम दिखाऊंगा और मेरी मेज़ भी दिखाऊंगा। सच में जैसे हम फ्लाइट से उतरे हमें इतनी ज़ोरों से ठंड लगी, हम आपको बता नहीं सकते। आप जब भी किर्गिस्तान आओगे आप भी ज़रूर वो एक्सपीरियंस करोगे, कि यहाँ पे दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पे बहुत ठंड है। और आई थिंक कितनी होता रहता दूषी -3 आई थिंक उस दिन माइनस में टेम्परेचर था, आई थिंक -2 or -3 था। बस हमारी जबी वाट लग गई। तो चलो मैं आपको मेरी रूम की टूर कराता हूँ, और मैं इसकी भी लगी। और हम काफ़ी थक गए ये ट्रैवल से, तो इसके बाद हम खाना खा के डायरेक्ट सो जाएंगे। जो हमें फ्लाइट में खाना मिला था उस पर ही है हम। बस अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो नीचे हमें बुलाया गया है खाने के लिए, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है खाने के लिए। शायद कुछ स्पेशल हो तो अच्छा है, पेट भर के खा सकता है। तो ठीक है चलो देखते हैं। ये रही हमारी रूम, जो हमें इस रूम में मैंने बिताने पड़ेंगे। और आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरी रूम कैसी है। और चलो मैं आपको मेरी रूम दिखाता हूँ। यहाँ पे है हमारा बाथरूम, यहाँ पे है हमारा बाथरूम, यहाँ पे हम मुँह धोते हैं, और आपको पता है हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे। समझ रहे हो आप हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। फिर यहाँ पे हमारे शूज़ रखने की जगह, इसके बाद छोटी सी डस्टबिन है हमारी, फिर ये ऊपर जाने की स्टेयर्स। और हम यहाँ पे 4 दोस्त रहते हैं, और सभी महाराष्ट्र के हैं। यहाँ पे है, ये रहा मेरा बेड, वहाँ पे मैंने मेरी फैमिली की फ़ोटो लगाई हुई है। ये रही, जब भी मुझे याद आए मैं इसे देखा करूँगा। फिर वहाँ पे है मेरे बुक्स है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फिर वहाँ पे नोट्स,
ये रहा मेरा बेट, ये मैंने किर्गिस्तान से स्वेटर लिया हुआ है, मुझे लगभग 2500 में मिला है, मैंने 2500 में ख़रीदा है। और फिर ये रहे मेरे ग्लव्स, फिर वहाँ पे मेरी टोपी, पॉकेट, समथिंग एल्स, और फिर ये रहा गौरव का बेट, यहाँ पे है गौरव का बेट, उसके डेली नीड्स, और यहाँ पे है प्रतीक का, और यहाँ पे है ऐश का बेड जो हमारे साथ रह रहा है, और ये रहा हमारा स्टडी टेबल, और ये मेरी बैग, और इसमें हम पानी गर्म करके पीते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस में ठंड रहती है, तो हमें पानी थोड़ा गर्म करके पीना पड़ता है, क्योंकि उतना पानी हम, मतलब उतना ठंडा पानी हम पी नहीं सकते, इसलिए थोड़ा गर्म करके पीते हैं। फिर ये रहे, इसमें है तेल, ब्रश, जो भी हमें लगते हैं। फिर यहाँ पे नीचे भी है, इसमें नीचे कंपार्टमेंट में हमें कंपार्टमेंट बहुत मिला है, तो हमें हमारा जो भी लगेज है वो रखने की जगह बहुत मिली है। और ये रहा मेरा वाला, इसमें मेरे कपड़े और थोड़ा सा सामान है, और आपको ये सिम मिलती है यहाँ पे बी लाइन की। ये 490 सोम की है, पर हम स्टूडेंट हैं इसलिए हमें 300 में मिलती है, तो इससे हम, हमारा इंटरनेट जो भी है इससे हम यूज़ करते हैं, और घर पे कॉल इस सिम से होती है। और ये वाली सिम फालतू है जो हमें एयरपोर्ट पे मिली थी। तो बस ये रही खिड़की, हमें ये बाहर की लुक मिलती है, और थोड़ी सी ये खुली भी रहती है क्योंकि बाहर की एयर अंदर आए, और अंदर की जो भी हीट है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर चला जाए और हमें फ्रेश एयर मिले। ये रहे थोड़े, हमें थोड़ा सेट कर दिया है बस, और आधा सेट करना बाकी है, वो हम कर देंगे। तो बस ये है मेरी रूम, जो भी मुझे 6 महीने बिताने हैं यहाँ पे, फिर बाद में हम देख। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।